राधा रानी पर टिप्पणी पंडित प्रदीप मिश्रा को भारी पड़ गई है। सोमवार को ब्रज के संतों ने महापंचायत बुलाई, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री का फैसला लिया गया। ब्रज के किसी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक लगा दी गई है। क्या ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री है। संतों की महापंचायत ने ये फैसला लिया है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान से नाराज संतों ने बरसाना में महापंचायत बुलाई थी और इस महापंचायत में ये बड़ा फैसला लिया गया कि ब्रज के किसी भी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं, संतों का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अगर माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों और महंतों की अनुमति के उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदीप मिश्रा एक दुकानदार है जो रुद्राक्ष और माला सामान बेच करके व्यापार करके अपना काम चला रहा है। ऐसे व्यापारी कथावाचकों को सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर क्षमा मांगे और कहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मेरे द्वारा ये वक्तव्य दिया गया, फिर आने का अपनी सूचना दें कि वो राधा रानी मंदिर कब आ रहे हैं। यदि वो शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो हमारे कहीं भी आ जाए। अब हमसे उन्होंने धीरकासुर कहा है ना, तो धीरकासुर लीला पूरी करके दिखाएंगे वो लीला कैसे हुई थी। शास्त्रार्थ करने के लिए हर तरह से तैयार है और वो जिसको लाना चाहे उसको साथ में ले आवे। यदि वो क्षमा मांगने आवे तो श्री लालजी जी के मंदिर में आवे और कहे मेरी बुद्धि खराब हो गई, मति मारी गई थी, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। और यदि वो अपने अभिमान पर टिका है तो उस आंदोलन के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों राधा रानी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें प्रेमानंद जी महाराज ने भी खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर दोनों के बीच सुलह हो गई थी। उनसे सुलह होने के बाद लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन यहाँ तो बात और बिगड़ती नजर आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा को माफ कर दिया हो, लेकिन ब्रज के संतों ने माफी नहीं दी है। इन्होंने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को सजा देने की ठान ली है और अब महापंचायत में संतों ने ये फैसला लिया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। ब्रज के संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है और अब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ गुरु सांदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़ेंगे। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से नाक रगड़कर माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वो मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे। व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए क्षमा मारती, और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर संतों में नाराजगी है। ब्रज के संत तो उनके बयान से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। धर्माचार्यों ने उन्हें शास्त्रार्थ की भी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।